नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 28 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट तो नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग एरीज यानी मेष राशि। पहले देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, बाद में आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं एरीज यानी मेष राशि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग एरीज यानी मेष राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, ये जो पर्सन है आपके जो पर्सन है एरीज जिनके साथ आप लव रिलेशन में हो या फिर शादीशुदा हो, जो भी हो लव रिलेशन में अगर आप हो, मतलब इनके साथ आपका अगर लव रिलेशन है तो ये इंसान करंटली अपना इमोशन हाइड कर रहा है करंटली, या फिर आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, उनसे छुपा रहे हो, हालांकि उनको देख के पता चल जाता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, या फिर ये अगर अपना इमोशन हाइड कर रहा है तो आपको ये देख के पता चल जाता है, फिर भी ये इंसान अपना इमोशन हाइड करने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों ये इंसान अपना इमोशन हाइड कर रहा है करंटली। टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, सारे कप्स के कार्ड आए हैं। हो सकता है एरीज आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में से कोई हो सकता है, कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड ज्यादा कप्स के आए हैं तो मैं कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस होने की चांसेस है वो मैंने बता दिया। ये जो इंसान है ये पहले आपको अपना सोलमेट मानते थे, ये आपके साथ अपना परिवार देखते थे, आपके साथ दोस्ती रिश्ता ये सारा कुछ ये करना चाहते थे, या फिर है आप लोगों में, या फिर था कुछ भी, या फिर अभी भी चल रहा है, लेकिन ये इंसान रिसेंटली थोड़ा सा परेशान है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ दे रहे हो, इनसे आप जितना प्यार करते थे या फिर करते हो ये उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप हो सकता है अपना वक्त अपने दोस्तों को अपने परिवार को दे रहे हो, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके साथ अपना परिवार देखते हैं, आपको अपना पारिवारिक मटेरियल समझते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्ती कर ली बात कर ली फिर बाद में अलग हो गए, नहीं, अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो आपको पता ही है, अगर नहीं हो तो भी आपको पता ही, ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ इनका अटैचमेंट है। अभी आजकल क्या हो रहा है इन दिनों, ये इंसान थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहा है। हो सकता है आप अपना वक्त जो है बहुत ज्यादा वक्त आप दोस्तों को दे रहे हो या फिर परिवार को दे रहे हो, तो ये भी अपना इमोशन हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पेशेंस रख रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितना कुछ कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, ये कुछ इन दिनों बोलना नहीं चाहते हैं करंटली। अभी देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप कुछ नया करना चाहते हो आपके लाइफ में, नया प्यार या फिर प्यार में नयापन लाना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो उनके साथ, उनके साथ रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो, कुछ यंग एनर्जी में आप आना चाहते हो और रिश्ते को दोस्ती से शुरू करना चाहते हो। अभी देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि हो सकता है ये पहले आपसे कुछ छुपा रहा था या फिर आपने उनसे कुछ छुपाया,
कि आप जो अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो या फिर आप अपने मेहनत से सब कुछ करना चाहते हो, जैसा कि कार्ड्स भी आया है, तो इसके कारण ये इंसान आपको हो सकता है गलत समझ रहा है, इसीलिए आप दुखी हो, परेशान हो, या फिर दुखी थे, परेशान थे, लेकिन अभी आप वो चीज़ खुलकर बोलना चाहते हो कि आप कुछ नया करना चाहते हो आपके लाइफ में, आप कुछ नया चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे अपने लाइफ में चाहे रिश्ते में आप नयापन लाना चाहते हो, इसीलिए जो पहले आप छुपा के कर रहे थे, जिसके कारण आप दुखी थे, परेशान थे, अभी आप वो चीज़ बाहर खुलकर करना चाहते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान जो पहले आपसे कुछ छुपा रहा था, खास करके अपनी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बोल रहा था या फिर पैसों के लिए काम कर रहा था, तब ये बात वो आपसे छुपा रहा था, ये बात आपको पता चला और आप दुखी थे, लेकिन इसीलिए आप अभी अपने लिए भी स्टेबिलिटी पाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या है आपके इंसान। एरीज, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने कहा पैसे, प्यार, रिश्ता, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर ये आपको पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे तो देना चाहते हैं, अगर आप नहीं दे रहे थे तो ये आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको इक्वल गिव एंड टेक दे। देख लेते हैं सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने मुझे लगता है मेहनत से, स्टेबिलिटी से अपने आप को खड़ा किया है, पैसा कमाया है, बहुत मेहनत से इन्होंने पैसा कमाया है अपने लाइफ में, इसीलिए ये पैसे को सेविंग्स करना चाहते हैं। एरीज, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है, तो अभी ये पैसा ये रैंडमली खर्च नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण हो सकता है आप लोगों में परेशानी आया था, तो अभी ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जहाँ पैसों की ज़रूरत है वहाँ पैसा देना चाहते हैं, जहाँ रिश्ते में प्यार की ज़रूरत है प्यार देना चाहते हैं, ये रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, पैसे कमाने में मेहनत करना चाहते हैं और आपको खुश रखना चाहते हैं, इसीलिए ये पैसों का सेविंग्स करते हैं और ये थोड़ा कंजूसी आपके सामने दिखाते हैं। जो आपको पता नहीं था, जो आपको लग रहा था कि आपसे पैसा छुपा रहा है, जैसा मैंने कहा, तो आप भी अपने लाइफ में कुछ नया करना चाहते थे, स्टेबिलिटी पाना चाहते थे, लेकिन ये जो इंसान जो मेहनत से ये पैसा कमाया है, ये पैसों को सेविंग्स इसलिए कर रहा था कि बाद में जाके ये पैसा आप ही लोगों के काम आए। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, अभी ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये मामला तो पेंटिकल्स का ही है, पैसों का ही है, आप भी मेहनत करना चाहते हो, टीम वर्क करना चाहते हो, टीम वर्क करके पैसे जमा करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आप भी पैसों पे स्टेबिलिटी पाना चाहते हो। देख लेते हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने की चांसेस ज़्यादा है। एस ऑफ वंड्स, आप नया शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ में। द हायरोफंट, अपने आप को हील करना चाहते हो, भगवान के शरण में जाना चाहते हो, आपको लगता है कि इन दिनों अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, खुद पर ज़्यादा ध्यान दोगे, खुद को हील करोगे, गलती जो हो गया सो हो गया, वो दोबारा से नहीं करना चाहते हो, आप अपने लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, भगवान के भरोसे, अपने आप पर भरोसा करके आप पैसों के लिए मेहनत करना चाहते हो, रिश्ते में भी मेहनत करना चाहते हो और जीरो से शुरू करना चाहते हो, कोई गलती नहीं चाहते हो इन दिनों। देख लेते हैं इस रिश्ते के आउटकम क्या आता है। ये रीडिंग होगी 28 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। देख लेते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है। डेथ, डेथ मतलब किसी चीज़ का ख़त्म। अगर रिश्ते में परेशानी थी तो वो परेशानी ख़त्म हो सकता है। जब भी कुछ ख़त्म होता है तो नया तो कुछ होता ही है,
देख लेते हैं डेथ के कार्ड को, अगर हम क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आएगी रिश्ते में। किंग ऑफ कप्स, जो कार्ड्स पहले भी आया था। और नाइन ऑफ ओन्स, हो सकता है आप लोगों की रिश्ते की जो परेशानी थी वो धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। आप दोनों ही उस परेशानी को खत्म करने की इंतजार कर रहे हो। आप दोनों ही अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। आप दोनों को ही रिश्तों की क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है वो जो पुरानी परेशानी थी वो खत्म होके रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिल जाए, तभी डेथ के कार्ड्स आए हैं। और जब तक ये नहीं होता है, आप दोनों ही अपना इमोशन कंट्रोल करके रखना चाहते हो और आप इंतजार कर रहे हो कब वक्त सही आए और कब सब कुछ सही हो जाए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आपको इंतजार करना पड़ेगा। एस ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, अगर आप लोग रिश्ते को दोबारा एक मौका देना चाहते हो, अगर रिश्ते में परेशानी है पैसों को लेके, प्यार को लेके कुछ भी, तो रिश्ता जो परेशान कर रहा था उस परेशानी को ख़त्म करके आप लोग जो हो रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हो। खास करके एरीज वो अपने लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं और सब कुछ क्लियर हो जाए इसके इंतज़ार में अगर आप लोग हो, तो आप लोगों को रिश्ते को बहुत करीब से देखना होगा। अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ क्लियर है आपके नज़र में, तो आप लोग रिश्ते को दोबारा एक मौका दे सकते हो और इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब इस रिश्ते की क्लैरिटी आपको मिले। अगर आपको रिश्ते में क्लैरिटी मिलते हैं तो ही आप रिश्ते को दोबारा एक मौका दे सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि इस रिश्ते में जो जिस चीज़ को लेके परेशानी है, अगर ये रिश्ता ख़त्म होना चाहता है तो आपको इसमें भी सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि परेशानी ख़त्म होने के बाद रिश्ते में क्लैरिटी आ सकता है और रिश्ते की अच्छाई बुराई सोच के अगर आपको लगता है रिश्ते को दोबारा मौका दिया जा सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन हर एंगल से रिश्ते को देखना पड़ेगा और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दबाजी से अगर आप कुछ भी चाहते हो तो वो कुछ नहीं होगा। जो भी होगा वो समय के साथ होगा और आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। आप कितनी भी जल्दबाजी कर लो, जो होना होगा वो वक्त पर ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।